अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम फिर स्टूडियो में हैं और डे टू शूट है। और इस वक्त हमारा शूट जो है ना वो दो अलग अलग घरों में हुआ, और इस घर में थोड़ा शांति मुझे लग रही है। और उस पहला वाला घर जो था ना वो भी बहुत अच्छा था। और यह तो तक हसन मेरे पास है जो हमारे असिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ हसन अनवर और मैं हूँ बीवी से बीवी तक का सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप बताना चाहेंगे कि आप दो दिन हमारे शूट पर आए, तो आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये काफ़ी ज़्यादा वो आप लोगों से एंजॉय भी हो गई साथ साथ में, और इस तरह ये भी था कि आप लोगों की टीम वर्किंग काफ़ी अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, पीछे हमारी आर्टिस्ट बैठी हुई है, वो मेकअप करवा रही है, आर्टिस्ट है हमारे, वो मेकअप कर रहे हैं। और क्या नाम है, अच्छा एक फरमाइश आई थी दोस्तों, एक फरमाइश आई थी, कोका कोला आपने गाया था, कोका कोला तू गाया था आपने वीडियो में? बिल्कुल। वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोका कोला सुना देना, और लगे सुनना चाहूँगा मैं दोबारा। चलो ठीक है, वो सुनाएंगे। कोका कोला तू 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 मेरी तू मेरी तू मेरी दिल की प्यास से बुझादा, सिर्फ तू कोका कोला। इस वक्त कोका कोला नहीं, इस वक्त सिर्फ तू हसन। हाँ, और सुनाएं क्या, मतलब कि कहाँ घूमने गए हमारी टीम के साथ आप, ये सब कुछ बताएं ना। घूमने भी गए, लेकिन यहाँ पर टीम वर्क के हवाले से मैं कहूँगा कि हसन एक ऐसा बंदा है ना कि बिल्कुल विदाउट मेकअप भी आपको बिल्कुल सेम वही लुक आएगा। और उसके साथ जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट है ना अरसल को, तो विदाउट मेकअप देखने की मेरे ख्याल में फिर आप पहचान बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सर एनीवे, ये तो सॉरी, पिछली बार शूट पे जो मतलब कि हम लोग ने वीडियो बनाई थी उस पर मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, अभी भी ऐसी ही है। आप कर नहीं रहे हैं ना, जो कर नहीं रहे हैं तो मैं साफ कहूँगा ना, अगर इस पर आप गुस्सा होंगे या ना होंगे तो या नहीं नहीं, वो इशू नहीं है। दरअसल हमारा मेरा काम ही ऐसा है, सबको लाइन करवा। मेरे ख्याल में आपको पसंद नहीं है मेकअप, तो ये अच्छी बात है क्योंकि मर्दों को तो पसंद होना भी नहीं चाहिए। मर्दों वाला लुक है ना यार, ये तो है। मैं तो खुद नहीं करता मेकअप, नहीं करते, इनको ज़रूरत क्या है कि मेकअप करने की। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़।